हाथ रोकने से झुमरी चाची की जान चली गई। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, गई थी समूह का लोन लेने, 25 लोग आया था बीच में बैठी थी, पाद आया 2 घंटे तक रोका तो सर पे चढ़ गया पाद और मर गई। झुमरे चाचा ने लोन देने वाले अधिकारी पर गिरफ्तारी की मांग करी। उनका कहना है अगर लोन देने में 2 घंटे की देरी ना होती तो मेरी घरवाली बाहर आकर पाट सकती थी और अपनी जान को बचा सकती थी। क्या लगता है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? झुमरी चाची की मौत का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके पेट से 250 ग्राम बदबूदार रशियन चने निकले, बहुत बदबू मार रहे थे, तो उसके मालिक पर भी केस लगाया गया। झुमरी चाची की मौत के बाद झुमरे चाचा रेंडवे हो गए तो उन्होंने बाबा रामदेव का साथ पकड़ लिया। इसी तरह बाबा रामदेव और झुमरे चाचा रंडवा रंडवा खेल रहे थे, खेलते खेलते पानी के कुएं में गिर गए तो वहीं पर योग शुरू कर दिया। झुमरी चाची की मौत के ठीक 1 साल बाद पाद दिवस मनाया गया उस गांव में और दूर दूर से पादने वाले कलाकारों को बुलाया गया और उन्होंने अपने पाद से पाद पाद कर झुमरी चाची को श्रद्धांजलि दी। सब्सक्राइब करने से पहले पादे जरूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को और सबको सलाह दें पादने की झुमरी चाची का प्यार। Yeah, I'm so sure you asked me that.